हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये रीडिंग स्पेशली हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है उनके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ध्यान रखना कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त। लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है, फिर यहाँ पे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और यहाँ पे जो कार्ड है वो मेक द एफर्ट। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप या तो किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, या मे बी इनकी शादी होने वाली है कहीं और, या फिर यस, या तो इनकी शादी हो चुकी है, या तो इनकी शादी होने वाली है, या मे बी इन्होंने ऐसा बताया है आपको, ठीक है। या तो मे बी ऑलरेडी आप दोनों में कमिटमेंट हो चुकी है शादी की, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए अब ओपन अप हो रहे हैं। ओके, अब उनके अंदर वो मैं फीलिंग देख रही हूँ कि हाँ, मुझे प्यार करना है, आई वॉन्ट टू लव, मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार लेना है। सो वो अब ओपन हो रहे हैं फॉर अ रिलेशनशिप। अगर कोई चीज़ थी, चाहे उनका कहीं और शादी हो चुकी हो या कहीं और रिश्ता हो चुका हो, अगर उन्हें ऐसा लग रहा था उसके वजह से कि वो आपसे प्यार नहीं कर सकते, या वो या अगर मे बी फ्यूचर में वो आपसे शादी ना कर पाए तो वॉट विल हैपन, यू नो, क्या वो, यू नो, इज़ इट ओके टू लव यू। कोई ऐसे सिचुएशन है डेफिनेटली उनके लाइफ में जिसके वजह से काफ़ी टाइम से वो अपने आप को रोक रहे थे कि क्या सच में, यू नो, आई कैन लव, क्या सेफ है सामने वाले से प्यार करना। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो ऑलरेडी, ठीक है, या मे बी आपकी कहीं शादी फिक्स हो रही हो, एंड इट्स लाइक ए पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, प्यार हम कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। सो दे आर ओपनिंग अप टू रिलेशनशिप, दे आर ओपनिंग अप टू लव। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना ये भी बात समझ रहे हैं कि उनका दिल उन्हें बार बार आपके तरफ ही खींच रहा है, एंड इट्स लाइक दे आर गाइडेड टूवर्ड्स यू, और आपके लिए एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक दिस शुड, मतलब एक पक्का रिश्ता या एक परफेक्ट रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे एफर्ट्स डाले जाते हैं, जहाँ पे ये सामने वाले को हम दिखाएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनके अपने फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, ट्रॉमेटिक कुछ चाइल्डहुड रहा हो, मे बी इस वजह से वो रिश्ते में एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी उनके कोई पेरेंट उन्हें छोड़ के गए हैं, और वो उसका अभी भी उनको डर है कि हाँ, ऐसे ही लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या इनके घर पर इनके पेरेंट के साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है, और वही जो एनर्जी है वो इस रिलेशनशिप में कैरी करते हैं। तो इस पर्सन, ये पर्सन अपने उस पर्सन को जो जिससे इन्हें दुख पहुंचा है उन्हें माफ़ कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ वाले रिश्ते को क्या कहते हैं उसको, जस्टिस दे पाए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट मोड वी हैव। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट है, यहाँ पे फिर से वही एनर्जी निकल के आ रही है, या तो ये शादीशुदा है, या मे बी इनको लगता है कि इनकी फैमिली ही इनके लिए डिसीजन लेगी शादी का, या मे बी इनकी शादी फिक्स कर रही है इनकी फैमिली, या फिर इनकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है, या फिर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है शादी की, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन शादी का कुछ टॉपिक यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ पर टावर कार्ड है, किंग
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कभी भी, मैं सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आई नीड टू टेक दीज कार्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे टेम्परेंस है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओ माई गॉड सो मैनी स्वॉर्ड्स हियर, एम्प्रेस है, और बॉटम ऑफ सॉरी लास्ट कार्ड है एम्परर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटिफुल कार्ड का कॉम्बो आया है, एम्प्रेस और एम्परर। तो यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो अपने, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी है और टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी से जब दूर जाते हैं ना, जब हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या हमारा ब्रेकअप हो जाता है, या हमारे झगड़े हो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं किसी से, और वो जो एक शॉकिंग पीरियड होता है, मतलब शॉक होता है वो हमारे लिए, ओके, वो अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा रिश्ता है आपके लाइफ में जो ख़त्म हुआ तो आपको खुशी हुई। ऑब्वियसली जिनसे रिश्ते बनाते हो आप, उनसे आप प्यार करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में जब से गए हो इस पर्सन से, देयर लाइफ हैजंट बीन द सेम, उनको ऐसा लगने लगता है जैसे उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो रही है, देयर लूजिंग कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, यू नो कुछ उनके बस में नहीं है। एक मुझे ये पर्सन बहुत फाइट एंड फ्लाइट मोड पर दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा हम अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ फाइट एंड फ्लाइट मोड कैसी होती है। अब आप घर पे बैठे हो, ठीक है, तो समझो आप घर पे बैठे हो एंड अचानक से आपको ऐसा फील हो कि सब कुछ हिल रहा है, यू नो आपका फ़ैन हिल रहा है या कोई चीज़ें टूट के नीचे गिर रही है, तो आपको क्या, पहला आपका इंस्टिंक्ट क्या होगा कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो आप एक फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाओगे, आप किसी ग्राउंड की तरफ भागोगे, यू नो एग्जिट लोगे आप। सो इट्स लाइक दैट, इस वाली एनर्जी में आपके पर्सन फाइट एंड फ्लाइट मोड है यहाँ पे, अगर इन दो कार्ड्स को आप देखो ना, देर इन दिस फाइट एंड फ्लाइट मोड, जहाँ पे उनको लग रहा है कि सब बिखर रहा है, सब टूट रहा है, आई नीड टू डू समथिंग, ये रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा फिर तो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अगर इस पर्सन को आपके लाइफ में आना है, देन नीड टू डिसाइड समथिंग, ओके। इसके लिए भी मैं बहुत अच्छे एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, और ये डिफ़िकल्ट क्यों है डिसीजन इनके लिए, क्योंकि ऐसा मानिए कि आपके पास दो किडनी होती है, राइट, तो अगर आपके घर में यू नो आपके फैमिली में सोचिए कि किसी को किडनी लग रही है, किसी के पास किसी की किडनी डैमेज हो गई है या कुछ भी हो गया है उसको, और आपको आपकी किडनी एकदम मैच हो रही है उनसे, और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, सोचिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिल पे पत्थर रख के आप बिना सोचे समझे ही उनको अपनी किडनी दे दोगे, राइट, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, जो उन्हें छोड़ना पड़ेगा अगर उन्हें आपके पास आना है तो, और वो जो दूसरी चीज़ है वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, सो दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन, और वो डिसीजन वो बहुत रिस्क वाली एनर्जी से ले रहे हैं, मतलब वो इस तरह से डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे करना ही पड़ेगा, आई डोंट नो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर इस पर्सन के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपके साथ शादी करने के लिए, और यहाँ पे अपने इस पर्सन को बताया कि मेरी शादी किसी और से फिक्स हो रही है, तो दे नीड टू गो अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, वरना वो आपको खो देंगे, क्योंकि अब वो नीड ऑफ टाइम है कि उनको आपके पास आना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, वरना वो आपको खो देंगे, वरना आपकी शादी कहीं और हो जाएगी। एग्जैक्टली वही एनर्जी है, दिस पर्सन इज सो रेस्टलेस, सो मतलब इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ उनके हाथ से निकलता जा रहा है, सो और उन्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा या ये डिसीजन ले लूंगा तो मुझे सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, सो दे आर लिटरली टेकिंग अ रिस्क, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे, मतलब सपोज़ आप सोचिए कि आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है, आपको कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, तुम वो जॉब छोड़ दो, तो आप एक रिस्क ले रहे हो विश्वास के भरोसे पे कि नहीं वो मुझे जॉब दे देगा, और आप रिस्क करके रिस्क लेके ये जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी दे आर इनटू। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को, आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, यू आर अंडर अ प्रोटेक्शन, ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपको इस कनेक्शन को सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में बहुत जल्द कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, आप दोनों में बहुत जल्द एक
कॉमन ग्राउंड्स पे आप दोनों आने वाले हो, कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा, कोई फाइनल क्या कहते हैं उसको, एक माइंडसेट बन जाएगा कि ओके हम दोनों ऐसे रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वी विल बी देयर फॉर ईच अदर, कोई कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाओगे आप दोनों. ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ तो है जो इन्हें रोकता है आपके तरफ आने से, बहुत करीब है वो आपके तरफ आने के लिए, बहुत मतलब निकल चुके हैं, इट्स लाइक दे हैव ऑलरेडी moved from their place to come towards you, but it's like कोई चीज़ है जो उन्हें restrict कर रही है okay आपके तरफ आने से. ओके दैट इज़ देयर एनर्जी. बहुत ड्रामा कोई क्रिएट कर रहा है उनके अराउंड. अब ये उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, उनका कोई पार्टनर हो सकता है, उनकी कोई एक्स हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, या कुछ सर्कमस्टेंस उनके ऐसे है जहाँ पे इतना ड्रामा है, इतना रेस्ट्रिक्शन है कि वो आपकी तरफ जल्दी से आ ही नहीं पा रहे हैं. मुझे तो लगता है ये रीयूनियन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत पहले का ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट हो नहीं पाया है. ओके मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों भी ना यू आर मिसिंग ईच अदर, यू आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर. आपने उनको अपनी पति की या पत्नी की जगह दे दी है अपने मन में, और उन्होंने आपको अपने पति या पत्नी की जगह अपने मन में दे दी है. सो इट्स लाइक आपकी शादी अगर नहीं भी हुई होगी, आप दोनों ने साथ फेरे नहीं भी लिए होंगे, फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि देखिए रिश्ता ख़त्म हुआ है 3D पे, ठीक है, रिश्ता या ब्रेकअप हुआ भी है तो किसी मजबूरी के कारण हुआ है, ठीक है, ये कोई मजबूरी है, कोई करियर की मजबूरी हो सकती है, कोई और रिश्ते की मजबूरी हो सकती है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे. मतलब एंडिंग हुई भी है तो किसी और सिचुएशन की वजह से हुई है यहाँ पे. ओके इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, देयर प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन, वॉट आर देयर प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस. गाइज मैं शाम को एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल टेक्निक लाने वाली हूँ, तो आप बिना भूले वीडियो को देखेगा, वो टेक्निक इतनी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते. ओके तो और बहुत यूज़फुल है. डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर दिस पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शंस ऑफ दिस पर्सन. ओके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है वाओ सिक्स ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जस्ट लव दिस कार्ड. दो ही कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, डेथ और फोर ऑफ पेंटिकल्स. देखिए एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बाय हुक और क्रू के आपको पाना चाहते हैं, इस सेपरेशन को ये एंड करना चाहते हैं, और वो आपके कंफर्ट में आना चाहते हैं. ओके जब भी ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, या जब भी ये पर्सन आपको अपने आप से दूर कर देते हैं, लिटरली दे स्टार्ट मिसिंग यू द अदर सेकेंड. ओके इनको इच्छा होती है कि आपको गले से लगा ले, और आपको अपने अपने क्या कहते हैं उसको, अपने अंदर छुपा ले. दैट इज़ हाउ मच दे वॉन्ट यू सी दिस पर्सन होल्डिंग द कॉइन्स, दैट इज़ देयर एनर्जी. यू आर द कॉइन फॉर देम, यू आर द अवार्ड फॉर देम. आप उनके लिए किसी मतलब हर चीज़ से बहुत ऊपर हो, चाहे वो फैमिली हो, पैसा हो, या कोई भी चीज़ हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, एंड दे वॉन्ट टू होल्ड यू एंड नॉट लेट यू गो. वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, और इस सेपरेशन को वो एंड करना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल. ठीक है, दे डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू कीप यू बोथ अपार्ट. ठीक है, क्योंकि आपकी यादें आपके साथ, हो सकता है आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, मतलब बचपन से साथ हो, या कॉलेज या स्कूल लाइफ से साथ हो, तो आपको एक दूसरे की बहुत आदत भी हो गई है. ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है, इट्स लाइक उनको आपके साथ एक अलग लेवल का अटैचमेंट फील होता है, एंड उनको आपको नहीं छोड़ना है. ओके लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके लेट्स सी व्हाट, इन कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू. डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर के लिए इस सिचुएशन में, क्या जानना क्या समझना ज़रूरी है हमारे व्यूअर के लिए. ओके सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और नेक्स्ट
इनर नोइंग और उसके साथ साथ प्रायोरिटीज़ आए हैं। 17 और 30 नंबर है यहाँ पे और 9 नंबर है। देखिए एक चीज़ तो है यहाँ पे कि आप भी जानते हो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आप भी जानते हो कि आपको इस पर्सन ये पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे ऊपर हो, आप भी जानते हो कि आपकी बहुत परवाह करते हैं, आप भी जानते हो कि ये पर्सन के लिए आप सब कुछ हो। सो आप प्लीज़ अपने आपको जो पता है ना उस चीज़ को झूठलाओ मत। आप में से कुछ लोग अपने आप से ऐसी बातें करते हैं, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो किसी और के साथ खुश है, वो तो मेरे लिए कुछ भी फील ही नहीं करता। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनके नंबर वन प्रायोरिटी हो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को जैसे जीना ही छोड़ दिया है आपने। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन से प्यार मत करो, आप इनके बारे में मत सोचो, आप इनको स्पेशल जगह मत दो अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी जगह अपनी लाइफ में सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। सो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को अच्छे से समझो, आप अपने आप को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, ठीक है, इसीलिए आपको बाकी चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है, ओके। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, प्रायोरिटी सेट करो, आपके लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं है। आप किसी भी चीज़ को कोई भी प्रायोरिटी दे देते हो अपनी लाइफ में, आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग होनी चाहिए इस वक्त, और आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, आप अगर स्टडी करते हो आपका स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। मैं दोष नहीं दे रही हूँ आपके रिश्ते को, लेकिन प्लीज़ अगर स्टडी ज़रूरी है तो है, अगर काम ज़रूरी है तो है, अगर हेल्थ ज़रूरी है तो है, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। लेट्स सी एंजल आंसर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कोई मन में सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो आप फ्रॉम एंजल्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं एंजल्स एंजल आंसर्स से क्या मैसेज है। ओके, तो हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो। तो अगर आपके मन में कोई इस वक्त सवाल है तो उसका जवाब नो है, और उसके साथ साथ ही एक कार्ड आया था सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो अगर आप ऐसा पूछ रहे थे कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्या कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो नो, सिचुएशन ठीक होगी, ठीक है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो यार, और अगर आप भरोसा रखोगे तो, या अगर आप ट्रस्ट करोगे तो, अगर आप बिलीव करोगे तो, ठीक है। चलिए इनिशियल्स देखते हैं या नंबर्स या जो भी आता है आपके लिए, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला इनिशियल है पी, Y, C, V, Q, R, H, K, July, number 5, I, Yes और 888, ठीक है। मे बी आपको 888 दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है, 888 या 8 नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। सो दैट वॉज इट, कैसे लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम को मैं टेक्निक डालने वाली हूँ तो ज़रूर देखना। लव यू लॉट। हेलो गाइज, वेलकम वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, सो जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा, लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ वर्ड्स पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है, सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया, आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा, लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए, आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, यू नो, जैसे खींच लाता है सारे फोर डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो, ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा, आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी ये मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, या आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट। ओके, और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। ब्लैक टॉर्मेलाइन क्या करता है, ये देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर यू नो कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्ज हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे, कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा। ओके, अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है बाहर से, यू नो, कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा।
तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूंगी एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।